हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम सर का किचन में। आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। बहुत ही इजी रेसिपी है, 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और इतनी टेस्टी बनते हैं ये चावल। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 बड़े चम्मच लेंगे तेल। इसमें हमने डाल दिया है ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची। थोड़ा हमने डाल दिया है कटा हुआ अदरक और 1 बड़ी मिर्ची को हमने तोड़ के डाल दिया है। जैसे ही वो थोड़ा फ्राई हो गया 1 मिनट के लिए, फिर हमने डाल दिया है इसमें 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने चॉप करके डाला है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, उसमें जले हुए की स्मेल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां, जिसमें हमने डाली हैं बारीक कटे हुए बीन्स, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप वो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें डाल दिए हैं मटर और ये हमने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पनीर और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना बढ़िया ये हमारा हेल्दी हमारे राइस बनने वाले हैं। हम इसे चाइनीज़ स्टाइल में बनाएंगे। तो ये देखिए, अभी हमारी सब्जियों को हम थोड़ा सा सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। सब्जियों का क्रंचीनेस होना चाहिए। हमने डाला है 2 चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हमने डाली है काली मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस हमने पहले से ही उबाल के रखे थे, ये देखिए अभी हम इसमें हमारे ये राइस ऐड कर देंगे। राइस के ऊपर हम डालेंगे, ये हमने 1 बड़ा चम्मच डाला है विनेगर और 1 बड़ा चम्मच हमने डाला है सोया सॉस। चावल को हम मिक्स करेंगे। हमें इसी तरह से इन्हें मिक्स करना है, नीचे से इस तरह से इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। हम इसे सब्जी की तरह मिक्स नहीं करेंगे वरना हमारे राइस टूट जाएंगे। तो ये हमारा अभी चाइनीज़ फ्राइड राइस बनके रेडी हो चुका है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए। मैं ऐसे ही रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।